स्टे करने के बाद अब मेरे जाने का समय हो गया। मेरे पीछे ये स्कॉर्पियो देख रहे हैं, इससे मैं अपने गांव से जाऊंगा छपड़ा बस स्टेशन, फिर छपड़ा बस स्टेशन से एक बस पकड़ के मैं जाऊंगा एयरपोर्ट, और फिर एयरपोर्ट से सीधा दिल्ली। तो बने रहिए मेरे साथ ट्रिप में। गांव से कुछ अच्छे एक्सपीरियंस लेके मैं निकला शहर की ओर। कभी दोबारा ऐसे गांव में घूमने का मौका मिलेगा या नहीं, यही सोचता हुआ सुशील एस ट्रैवल मेनिया। तो इस वक्त हूँ मैं छपड़ा बस स्टेशन में, और यहाँ से मैंने, मेरे पीछे आप बस देख रहे होंगे, ये मैंने लोकल बस यहाँ पे बुक करी है, जो मुझे करीब 2-2.5 घंटे लगेंगे पटना शहर पहुँचाएगी, फिर उसके बाद फिर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो इसी के साथ मेरी बिहार की सीरीज खत्म होती है। इसके बाद कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे जिस वजह से मेरा मन नहीं किया वीडियो बनाने का। सच बताऊँ तो एक्चुअली जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था छपड़ा बस स्टेशन पे, उसके बाद आप उस तक तो वहाँ तक तो आपने वीडियो देख ली मेरी जब मैं छपड़ा बस स्टेशन से निकल रहा था। उसके बाद कुछ टाइम तक स्मूथ चला, उसके बाद इतने जाम में फंस गया मैं कि क्या बताऊँ मैं आपको, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसको करीब 7:30 बजे की मेरी शाम की फ़्लाइट थी, और मैं अपने गांव से निकला था 12:30 बजे, तो करीब 7 घंटे थे मेरे पास, और इतना टाइम लेके मैं चला था, फिर भी मैं अपनी फ़्लाइट पर नहीं पहुँच पाया। जब मैं गांधी सेतु तक पहुंचा तो तब करीब 3 बज रहे थे। उसके बाद गांधी सेतु इतना सुंदर बनाया हुआ है, लेकिन जाम वहाँ पे इतना था कि समझो गाड़ी पूरी बैठ ही गई वहाँ पे। काफ़ी देर तक हम वहाँ पे वेट करते रहे, गाड़ी रेंग के चल रही है, रेंग के कट चल रही है। करीब 6:30 या 7:45 बजे तक मुझे, मैंने देखा कि फ्लाई ओवर क्रॉस हो गया, तो मैंने फटाफट बस से उतरा और एक ऑटो लिया, और ऑटो वाले को बोला भाई 7:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है, जितनी जल्दी हो सके मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दे। तो उसने भी काफ़ी भगाया ऑटो, और करीब 7:15 बजे मुझे पहुंचा दिया। तो मेरे पास सिर्फ कहो तो 15 मिनट थे फ्लाइट बोर्ड करने के लिए, एयर इंडिया की मेरी फ़्लाइट थी। तो लेकिन हुआ यूँ कि उन्होंने मुझे चेकिंग करने ही नहीं दिया, कह रहे यू आर ऑलरेडी लेट। तो बस वो फ्लाइट मैं बोर्ड नहीं कर पाया। ऐसे ही एक एक्सपीरियंस मेरा जयपुर में भी था, जब मैं अपनी ट्रेन नहीं बोर्ड कर पाया था, उसका डिस्क्रिप्शन आप ये ऊपर कहीं लिंक में देख रहे होंगे, तो आप वो इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो ये दूसरा टाइम था कि मैंने अपना एक ट्रांसपोर्ट मिस किया। खैर ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन ये है कि 5,500 रुपये मुझे फिर एक्स्ट्रा पे करने पड़े। स्पाइस जेट की मैंने एक फ़्लाइट ली जो कि करीब 8 बजे की थी, तो ये मुझे लगा कि आपके साथ बताना चाहिए, शूट नहीं कर पाया इसलिए सॉरी उसके लिए, लेकिन ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। बस इसी के साथ मेरी ये हैप्पी एंडिंग हो गई। जब मैं गांधी सेतु पहुंचने वाला था, तब मुझे एक पैसेंजर ने बताया कि बस में ही बैठा हुआ था वो पैसेंजर, उसने मुझे बोला कि अगर आप गोविंदपुरा क्रॉस में उतर जाते तो वहाँ से आप एयरपोर्ट बड़ी आसानी से पहुँच जाते। खैर मुझे ये आइडिया नहीं था, और शायद मेरी फैमिली में भी किसी को नहीं मालूम था, इसलिए किसी ने मुझे उस टाइम में मुझे सजेस्ट नहीं किया, तो मैं हो गया बहुत लेट। तो खैर ये थी हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग तो नहीं कहूँगा, बस ट्रिप यहाँ पे मेरी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हाँ, अब मुद्दा ये आता है आगे मैं कौन सी वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ। एक्चुअली इसके एक्सपेंसेस की पूरी डिटेल्स की मैं एक व्लॉग और बनाऊँगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए ऐसा मैं चाहता नहीं, इसलिए मैं उसकी पूरी डिटेल्स अच्छे से वो रखूँगा अपने पास, और उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगा।
और उसके बाद अभी जिस तरह आप देख रहे हैं हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में कोरोना के चलते, तो ट्रैवलिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं ट्रैवलिंग तो नहीं कर पाऊँगा कहीं। लेकिन हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूँगा ताकि मेरी आपके साथ कनेक्टिविटी बने रहे। तो बस यही मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। पुराने जो एक्सपीरियंस है मेरे ट्रैवलिंग के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बस मेरे पास और कुछ तो खैर कहने को है नहीं, यही मेन पॉइंट है जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। तो बस इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। इसके बाद दो तीन चीज़ें जो मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट फॉरगेट टू रिस्पेक्ट अदर एंड योरसेल्फ। बाय।